जम्मू के सुजवा इलाके में आतंकियों सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ लगातार चल रही है। हम इस समय मौजूद हैं उसी जगह पर जिस जगह पर यह मुठभेड़ चल रही है। सामने आप देख सकते हैं यहाँ पर सीएसएफ के जवान जो हैं उन्हीं के साथ जम्मू कश्मीर पुलिस का स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप का दस्ता है और आगे जो है सीआरपीएफ के जवान भी हैं। आपको बता दें कि पूरे इलाके को कॉर्डन किया गया है और लगातार फायरिंग की आवाज़ आ रही है, धमाकों की आवाज़ आ रही है। अभी तक जो जानकारी पुलिस की ओर से शेयर की गई उसके मुताबिक एक जवान इसमें हमारा शहीद हुआ है, चार जवान जख्मी हुए हैं। वहीं सूत्रों की माने तो एक से दो आतंकी जो हैं उनके मारे जाने की खबर आ रही है, लेकिन किस तरह की आधिकारिक पुष्टि इसको लेकर नहीं की गई है। आप देखिए कि पूरा इलाका जितना भी है यहां पर भारी संख्या में सुरक्षा बलों की डिप्लॉयमेंट की गई है और यहां पर किसी भी बाहरी व्यक्ति को इस रोड पर जाने की अनुमति नहीं है। मीडिया को भी यहीं तक जाने की अनुमति है, लेकिन आप आगे देखिए कि भारी संख्या में यहां पर सिक्योरिटी फोर्सेज के जवान दिखेंगे, ऑफिसर दिखेंगे जो कि अत्याधुनिक हथियारों से लैस हैं। और पूरा इलाका जितना भी है जो सुजवा के आगे जलालाबाद का इलाका है उसको कॉर्डन किया गया है। ये इनपुट आ रहे हैं कि आतंकी एक घर में छिपे हुए हैं, वहीं से आतंकी फायरिंग कर रहे हैं। फिलहाल सिक्योरिटी फोर्सेज ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली है। जिस घर में बताया जा रहा है कि आतंकी छिपे हुए हैं उस घर को भी कॉर्डन किया गया है। कोशिश सिक्योरिटी फोर्सेज की ही रहेगी कि जितनी जल्दी हो सके जितने भी आतंकी मौजूद हैं उन्हें चुन चुन कर मौत की घाट उतारा जा सके। कैमरामैन निकलेश के साथ पंकज शर्मा, न्यूज 24, जम्मू सुजवा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।